हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका माइथो साइंस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, पर फिर भी आपको अंडे के अंदर का कलर तो पता ही होगा कि वो पीले रंग का होता है। पर कुछ ही दिन पहले इंटरनेट पर ये तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, क्योंकि इसमें अंडे दिख रहे हैं हरे रंग के। तो क्या ये तस्वीरें असली हैं और क्या ये अंडा भी असली है या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल हैं, तो आपके सवाल का जवाब है कि यस, ये तस्वीरें भी असली हैं और ये अंडे भी बिल्कुल असली हैं और खाने लायक भी हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। तो दोस्तों, इन्हीं मुर्गियों ने वो अंडे दिए हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये है इन मुर्गियों के मालिक एके शहाबुद्दीन, जो कि केरला के मल्लपुरम में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली शहाबुद्दीन को इनका ये पहला हरा अंडा लगभग 6-7 महीने पहले मिला था, और इन्होंने इसे खराब समझकर फेंक दिया था। पर जब इनकी मुर्गियों ने बाकी अंडे भी हरे रंग के देने शुरू कर दिए और जब उनसे बच्चे भी निकलने लगे, तो इन्होंने इन अंडों की वीडियोस और फोटोज बनाकर इंटरनेट पर डाल दी, जो कि आग की तरह फैल गई, जिसने एक्चुअली बहुत लोगों को हैरान किया। और उसके बाद एक्चुअली अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहावत इन पर फिट बैठती है, क्योंकि इससे इनके मुर्गियों के अंडों के भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, और इवन कई लोगों ने इन्हें 1-2 लाख रुपए तक भी ऑफर किए एक मुर्गी के। पर खैर, हम बात करते हैं इन अंडों के पीछे के हरे रंग की साइंस की। तो दोस्तों, इन हरे रंग के अंडों की तस्वीरें देखने के बाद केरला के वेटरन एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शंकरालिंगम ने इन पर रिसर्च की, और एक्चुअली उन्होंने जो बताया, एक्चुअली जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि जब अंडा मुर्गी के पेट के अंदर बनता है तो उसका कोई कलर ही नहीं होता है, और उसके बाद अंडा किस कलर का होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मुर्गी की फीड के ऊपर कि वो क्या खाती है। तो इसका मतलब कि अगर मुर्गी को आप वीट या फिर कॉर्नबेस्ड डाइट देते हैं तो उसका रंग पीला होगा, और अगर उसकी फीड में ज्यादा कैरोटीनॉइड है तो उसका रंग ऑरेंज और रेड के बीच में वेरी करेगा। पर हमारे इस हरे केस में शहाबुद्दीन अपनी मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फीड देते थे, जिसकी वजह से उनकी मुर्गियों के अंडे के रंग हरा हो गया। और एक्चुअली दोस्तों, इसे उन प्रोफेसर ने प्रूव भी किया इन शहाबुद्दीन की कुछ मुर्गियों को थोड़े दिन के लिए अपनी लैब में रखकर, जिनमें उन्होंने उन्हें नॉर्मल डाइट दी, और उसके बाद इनकी मुर्गियों ने फिर से पीले अंडे देने शुरू कर दिए। तो हेंस इट्स प्रूव दैट यस, ये तस्वीरें असली हैं और ये अंडे भी बिल्कुल असली और स्वस्थ हैं, और इवन इनमें से चूजे भी निकल रहे हैं, और इनका जो कलर बस पूरी तरह से डिपेंड है इनकी फीड के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर तो कर ही देना, पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं जहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरी हुई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।